चंडीगढ़ स्थित निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान के फाइन आर्ट्स विभाग में एक साप्ताहिक प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का थीम क्लासवर्क एनुअल डिस्प्ले 2020 रहा। इस प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि जवाहर कला केंद्र जयपुर की डायरेक्टर जनरल IAS किरण सोनी गुप्ता ने उद्घाटन करते हुए कहा कि फाइन आर्ट्स विषय विद्यार्थियों की कला को निखारता है। इस कोर्स को करने से व्यक्ति कलाकार बन जाता है। उन्होंने निम्स विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स विभाग के सभी छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की। वही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि निम्स विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि निम्स विश्वविद्यालय का फाइन आर्ट्स विभाग हमेशा ही विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी लगाती रहा है। इस तरह की प्रदर्शनियों के माध्यम से विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने को मिलता है। वही निम्स विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर अनुराग तोमर ने मुख्य अतिथि से अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने फाइन आर्ट्स के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। वही धन्यवाद ज्ञापित निम्स ह्यूमैनिटी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपाली सिंह ने किया। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए फाइन आर्ट्स विभाग के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में कुलसचिव डॉक्टर संदीप त्रिपाठी और डॉक्टर दुष्यंत सिंह ने मुख्य अतिथि को विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि हमारे अचरोल में स्थित है और जयपुर में है, उसमें आज विजिट करने का मुझे बहुत ही मेरा सौभाग्य है। और बहुत अच्छा लगा कि ये मेडिकल साइंस का कॉलेज ज़रूर है, लेकिन इसमें ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स पर भी उतना ही फोकस है। इधर डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में जहाँ हम खड़े हैं, आप देखते हैं कि यहाँ के जो 150 बच्चे हैं उनका काम यहाँ पे एग्जिबिट किया हुआ है। जहाँ आप ग्राफिक वर्क भी देखते हैं, उनका स्केचिंग भी देखते हैं, पेंटिंग भी देखते हैं। और मैं समझती हूँ कि साइंस और आर्ट्स को जोड़ना बहुत ज़रूरी है और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे तरीके से इसको जोड़ा है, क्योंकि एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के लिए साइंस के साथ साथ हमें आर्ट्स को भी, ये लिबरल आर्ट्स को, ह्यूमैनिटीज़ को भी साथ में पढ़ना और जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि जयपुर एक बहुत ही हमारी कला के क्षेत्र में एक बहुत ही एक स्पेशल पोजिशन रखती है और बहुत सारी हमारी ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं जो कि बहुत वेल नोन है, भले ही वो मिनिएचर आर्ट्स हैं या फड पेंटिंग है या और कोई कला है। बहुत सारी मेटल की क्राफ्ट है, मीनाकारी है, कुंदन वर्क है, ज्वेलरी में है। देखो तो ये स्पेशल प्लेस हमें बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाली पीढ़ी, अगली पीढ़ी को भी ये आर्ट्स हम सिखा सकें, उनको साथ कला के साथ जोड़ सकें। और ये बहुत ही सुंदर मौका है कि हम जो आज के बच्चे हैं, युग हैं, उनको हम कला के साथ जोड़ते हुए एक व्यक्ति में जो एक एम्पैथी होनी चाहिए, एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, हम कला के माध्यम से बहुत अच्छे से उजागर कर पाएंगे। और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये आने वाले समय में उच्च कोटि पर पहुँचेगा। इंडिया पूरे विश्व में अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज, यानी कि अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। आजकल समय के साथ मुझे लगता है कि कुछ ये धरोहर, ये स्किल्स, ये एटीट्यूड धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आने वाली जनरेशन में बच्चों में एक साइंस के लिए जो एटीट्यूड दिखता है, उतना एटीट्यूड कई बार आर्ट्स के लिए नहीं दिखता। ये एक दुर्भाग्य की चीज़ है। निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने ये एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे हम लोग अपने फाइन आर्ट कॉलेज को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। एंड आई वॉन्ट कि सारे डिसिप्लिन बराबर इक्वल एक कॉम्पिटेंस के साथ आगे बढ़ें। ये तभी संभव है कि जब हमारे आर्टिस्ट आगे बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दें और चीज़ों को अडाप्ट करें। समय के साथ साथ आर्टिस्ट को नई टेक्नोलॉजी भी अडाप्ट करनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैडम ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी का मतलब है कि वी नीड टू अडाप्ट न्यू वेज एंड द साइंस एंड आर्ट हैज़ टू कोलैबोरेट। इटालियन में एक वर्ड है विच इज़ कॉल्ड आर्टिसेंजा, विच मीन्स कि वी हैव टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन आर्ट एंड साइंस, देन ओनली द रियल ब्यूटी कैन फ्लरिश। सो आई विश द डिपार्टमेंट ऑल द बेस्ट एंड आई स्पेशली थैंक टू मिसेस किरण सोनी गुप्ता जी फॉर हर काइंड विजिट एंड द टाइम शी इज गिवन टू निम्स फॉर विद हर ब्लेसिंग्स। एंड आई एम श्योर अंडर हर एबल गाइडेंस द डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट विल टेक न्यू डायमेंशंस एंड एक्वायर न्यू हाइट्स। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा था कि हमारे यहाँ जवाहर कला केंद्र के जनरल डायरेक्टर सीनियर IAS मैडम किरण सोनी गुप्ता और मैनेजमेंट से हमारे ऑनरेबल
डायरेक्टर पंकज सर, ऑनरेबल डायरेक्टर श्री अनुराग सर और हमारी प्रिंसिपल मैम यहाँ आए थे और हमारा प्रोग्राम देख करके ये लोग बहुत ही खुश हुए। We'll be right back.